आज सुबह से अगर आप देखें तो वहाँ परिस्थिति बहुत जटिल है, विकट परिस्थिति है, और इस जटिल परिस्थिति में पूरा सामना करते हुए हमारी सारी जो टीम्स हैं, NDRF की टीम हो, पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, ये सारे जो है रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं। सुबह ही अंबादास दानवे जी जो विरोधी पक्ष के नेता है, उन्होंने जाके कोशिश की जो भी कुछ मदद कार्य शुरू करने थी। मैं स्वयं वहाँ था, फिर सुनील प्रभु साहब, अनिल परब साहब, हम सभी लोग, यही कोशिश है और प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो स्थिति थोड़ी आसान हो जाए ताकि NDRF के लोग वहाँ तक पहुँच के आराम से काम हो जाए। अगर आप देखें तो अभी भी भारी बरसात जारी है वहाँ, बरसात जैसे ही रुक जाती है तो काम आसान हो जाएगा। परंतु उनको निधि की भी तो जरूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल, वो सारी मदद मुझे लग रहा है हो रही है अभी, उसमें नहीं जाते हुए, नहीं उसमें अभी नहीं जाना जरूरी है। पहले तो यही है, सरकार तो मदद करेगी, ये अपेक्षा है ही, लेकिन अभी कोई मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, कोई राजनीतिक चीज़ नहीं कहूंगा, क्योंकि यही अहम है कि पहले लोग बचे, उसके बाद इंक्वायरी हो, अंदर जो हम सवाल पूछेंगे वो तो है ही, वो आएगा। लेकिन आज मुझे लगता है हम सारे एक साथ रहे और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अजीत जी, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरीके से हम मालिन देखते हैं, उसके बाद हमने रायगढ़ में पिछले साल भी से घटना हुई, तो अब इस तरह का सिलसिला आगे भी ना हो? ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, अगर आप देखें तो पूरे देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया भर में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए तो हम एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बना रहे थे, क्योंकि ये सीधा सीधा क्लाइमेट से जुड़ा हुआ सवाल है। और यही बात रहती है कि अगर आप देखें तो क्लाइमेट एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, सूखा हो, भारी बरसात हो, सर्दी का मौसम हो, ये सारी बातें बढ़ती जा रही है। और ऐसी घटनाएं रोकनी हो तो हमारे तो हाथ में रोकने की बात नहीं है, लेकिन इसमें से जो भी आपत्ति निर्माण होती है, इसमें से जो भी हानि निर्माण होती है, उसे कैसे कम किया जा सकता है, मुझे लगता है इस पर सोच होना जरूरी है। जो भी बातें मैं पर्यावरण के लिए कहते आया हूँ, आज आप देख रहे हो कि ये देश भर में, दुनिया भर में इसके परिणाम होते आए। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।